आज के समय में पेरेंटिंग एक चुनौती बन गई है और आज के पेरेंट्स अपने बच्चों पर चिल्लाना या उन्हें मारना नहीं चाहते। क्या वो सही कर रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि यह साबित हो चुका है कि चिल्लाना और मारना कभी भी मदद नहीं करते। लेकिन माता पिता कभी कभी इतना परेशान और नाराज़ हो जाते हैं कि वे बच्चों पर चिल्लाने लगते हैं और कभी कभी तो मार भी देते हैं। साथ ही हम कभी कभी उन्हें गंदा बच्चा भी बोल देते हैं। याद रखिए, बच्चा कभी भी गंदा या बुरा नहीं होता। अगर कुछ बुरा होता है तो वह है उनका व्यवहार, जिसे देर होने से पहले अनुशासित करने की ज़रूरत होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है और आप भी बाद में बुरा महसूस करते हैं? आज हम आपको बच्चों को अनुशासित करने के लिए 5 आसान उपाय बताएंगे। उनके साथ समय बिताएं। अपने बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उनके साथ विशेष समय बिताना बहुत ज़रूरी है। चाहे सिर्फ 10 या 20 मिनट का ही समय हो, लेकिन उसमें आपको टीवी या मोबाइल बंद कर देना है और सिर्फ अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देना है। वो जो अच्छा कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करें। माता पिता आमतौर पर गलत व्यवहार को पकड़कर उन्हें सुधारने के लिए बच्चों को समझाने लगते हैं, लेकिन जब हम अपने बच्चों की प्रशंसा करते हैं तो वे बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इससे अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करने में मदद मिलती है। अपनी बात को सीधी तरह रखें। जब भी आप बच्चे से कुछ कह रहे हैं तो अपनी बात को सीधे तरीके से कहें। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि वो खेलने के बाद खिलौने समेट कर रखें, तो ये नहीं कहें कि अपने खिलौने यहाँ मत छोड़ना, बल्कि कहें खेलने के बाद अपने खिलौने डब्बे में रख देना। इससे आपके बच्चे को आपकी अपेक्षाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है। उनका ध्यान भटकाएं। ऐसे क्षण में जब आपका बच्चा बहुत चिड़चिड़ा या ज़िद्दी हो रहा हो, तो उसका ध्यान किसी पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ भटका देना हमेशा अच्छा रहता है। जैसे कि उसके साथ थोड़ा खेलना शुरू कर दें, या विषय बदल दें, या फिर कहीं टहलने चले जाएं। ठीक समय पर ध्यान भटकाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इससे पहले कि बच्चों का व्यवहार कठोर हो जाए, उसका ध्यान भटका दें। अपने बच्चों के हिसाब से उसका ध्यान भटकाने का सही तरीका चुनें। गलत व्यवहार के परिणामों के बारे में बताएं। अगर वे कोई गलत बात कर रहे हैं तो नाराज़ होने की बजाय उन्हें इसके परिणाम बताएं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि वे खेलने जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा करें, तो बस कहें आप अपना होमवर्क पूरा किए बिना खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते। यह उनके लिए एक छोटी सी चेतावनी है कि वे अपना व्यवहार बदल लें। अगर आपका बच्चा बाहर खेलने जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेता है, तो उसकी प्रशंसा करना भी याद रखें। इससे पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। बच्चों को अनुशासित करने का मूल मंत्र है कंसिस्टेंसी। आइए हम सब मिलकर पेरेंटिंग को आसान बनाएं। यदि आपके पास भी कुछ सुझाव हैं तो कृपया हमें कॉमेंट्स में बताएँ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।